दोस्तों, हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है, दर्दनाक रहती है। लोग हमारे सभी के लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो तो वो प्रॉब्लम से ही गुजर के जाता है, लेकिन हम प्रॉब्लम को बोझ समझते हैं और उन्हें हल नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों से समझौता करने में लगे रहते हैं और ये भी सोच लेते हैं कि शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है और भगवान किसी को ऐसा नहीं करता है, मेरे साथ ही कर रहा है। इसलिए ऐसी बात को ना सोचे और लगे रहे अपने सपनों के ऊपर। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें हम एडजस्ट करने के चक्कर में हम सारा समय गवा देते हैं और ये सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता है। सो आज के इस वीडियो में एक ऐसी कहानी से आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको कुछ अपने जीवन के बारे में आइडिया होगा कि किसी भी प्रॉब्लम जो हमारे पास आए तो हम उसे कैसे सॉल्व करें और क्यों कब सॉल्व करें। सॉल्व करने का टाइम भी होता है कि कब हम बाद में करें या पहले करें। सो चलिए फिर जानते हैं उस कहानी को। सो दोस्तों, एक बार एक अध्यापक अपने स्कूल में सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, मतलब पढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने एक मतलब कंटेनर मंगवाया और उसमें पानी डाला और उसमें एक मेढक को दे दिया। मेढक उसमें पानी में जाते ही उछल कूद करने लगा और मस्ती से खेलने लगा। बच्चे देखकर उसे हंस रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो कंटेनर था उसको एक बर्नर पर रखवा दिया। बर्नर मतलब गैस जिसपे की आग जलता है, सो हीट होने के लिए। बट जैसे जैसे पानी गर्म हो जाता है, मेढक जो होता है अपने आप को उस टेम्परेचर में एडजस्ट करने में लगा हुआ। टीचर ने उन्हें फिर कहा कि इसे और तेज करो और मेढक जिस तरह से पानी तेज होता गया, धीरे धीरे पानी तेज होता चला गया और इन्होंने मेढक जो था वो अपने आप को एडजस्ट करने लगा, अपने पूरे जो एडजस्टमेंट हैबिटेट जाता है उसका उसमें वो अडेप्ट करने लगा अपने आप को। और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पूरा तेज करवा दिया और मेढक की जान उसमें जाने लगी, प्राण सूखने लगा उसका। और तब जब बहुत ही गर्मी उसमें आ रही थी पानी में, तब उसने सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वो छलांग मारता। लेकिन छलांग जब मारता है तो वो बाहर जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति उस टेम्परेचर में एडजस्ट होने में लगा दी, एडप्ट करने में खुद को लगा दी। यही बात हमारे लाइफ पे अप्लाई होता है दोस्तों। और जब टीचर ने पूछा कि ये, और धीरे धीरे कुछ समय के बाद ही वो मेढक मर जाता है। फिर टीचर ने बच्चों से पूछा कि इस मेढक था उसको किसने मारा, तो सभी बच्चे कहते हैं कि पानी। लेकिन टीचर कहते हैं बिल्कुल गलत, क्योंकि इसे पानी ने नहीं, इसने अपने आप को मारा है, इसने इसकी सोच ने मारा है। मतलब कैसे कि जब तक ये पानी ठंडा था, इसको पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ये नहीं रुका। ये अपनी सोच को कायम रख रहा था, सोचा कि कुछ नहीं होगा। मतलब जब तक ये छलांग लगा सकता था पहले भी, लेकिन ये नहीं लगाया। इसकी सोच थी कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आज हमारी लाइफ में भी यही अप्लाई होता है कि जब उसे सॉल्व करना था प्रॉब्लम तो किया नहीं, वो कूद कर अगर चला जाता तो उसे कुछ नहीं होता। इसलिए हमारी लाइफ में भी यही होती है कि जब जिस प्रॉब्लम आती है सो हम उसे सॉल्व नहीं करना चाहते और बाद में जब परिस्थितियां जितनी खराब हो जाती है, बहुत ही खराब हो जाती, तब हम उस पर ध्यान देते हैं। अगर रियल लाइफ से एग्जाम्पल दो ना, तो आज अमेरिका वही हाल में है कि अमेरिका जब शुरू में उसको कोरोना वायरस के बारे में पता चला था, तो उसने नाफरमानी मतलब अपनी बादशाही दिखाई, अपनी पावरफुल कंट्री की दम दिखाना स्टार्ट किया कि ये कुछ नहीं होगा। लेकिन आज कहाँ है अमेरिका वो समझ सकते हो। इसलिए अपने लाइफ में कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं कीजिए। जब तक समझौता करते रहिएगा प्रॉब्लम और बड़ी होती जाएगी। जब तक आप प्रॉब्लम से नहीं लड़ोगे तो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा होगा। छोटे को छोड़े को बड़ा आ जाएगा, मतलब छोटे राक्षस को छोड़ोगे बड़ा राक्षस बन जाएगा वो खुद। इसलिए दोस्तों कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं करें कि ऐसा है। तो हमारे बहुत सारे लाइफ में भी ऐसे ही होती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या हम उसे सॉल्व नहीं करें या उसे समझौता कर ले कि चलो यार जो है अच्छा है हमारे लिए। इसलिए समझौता ना करें, क्योंकि एक सभी चिड़िया जो रहती है दोस्तों वो बारिश के बाद अपना आसरा ढूंढता है। सभी चिड़िया बारिश के बाद अपने आसरा ढूंढता है, पर एक बाज होता है आसमान से भी ऊपर उड़ता है बारिश में। इसलिए हमेशा ध्यान देंगे परिस्थितियों से सौदा ना करें, उसे समझौता ना करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के हर वक्त हर ख्वाहिश से चाहते रहे कि आगे बढ़े। इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम जरूरी है और आएगी ही। कोई ऐसा इंसान ही नहीं पैदा हुआ है जिसको लोग बुरा ना कहे होंगे कुछ भी कारण के लिए। कौन ऐसा इंसान है जिसको कोई बुरा नहीं कर सकता है? एक भी ऐसा इंसान है जिसको कोई ना बुरा कर सकता है? हर वो इंसान पे कोई ना कोई एक उंगली उठा सकता है। इसलिए दुनिया वालों से मत डरिए और अपने लाइफ को जीते रहिए अच्छे से, जिस तरीके से आपको मन है और जैसे आपकी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए ऐसा कोई इंसान ही नहीं हुआ जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। सो हम भी आशा करते हैं कि प्रॉब्लम से आप भी खूब निपटे और आगे बढ़े, अपने लाइफ में आप सफल हो। सो आशा करते हैं आप जल्द ही अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। आशा करेंगे कि आप अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएं एक